आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूं कि आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास के लोगों का असर आपकी जिंदगी पे बहुत गहरी तरह से पड़ता है? आपके आसपास के लोगों का असर सीधा आपकी सोच पे, आपके जीवन पे पड़ता है। अगर आप सही लोगों के बीच रहते हैं तो आप बहुत जल्दी कामयाब बन जाएंगे, और अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो बहुत दुखी रहते हैं, जिनके पास हर बात पे बहाना होता है, तो आप लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप पे इतना असर आपके माता पिता की जीन्स का नहीं पड़ता जितना कि आपके आसपास के लोगों का पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ सालों पहले जब मैंने ये किताब सोचो और अमीर बन जाओ इसको पढ़ा था, तो मैंने इस चीज में ये बात पढ़ी थी। उसके बाद मैंने ऐसे लोगों के बीच रहना शुरू किया जो अपने जीवन के प्रति बहुत सीरियस थे, जो अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करते थे, जो बहुत खुश रहते थे, और इसका सीधा मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। हर एक व्यक्ति की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, इसीलिए कहते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उसके साथ बहुत ध्यान से रहिए, उसी व्यक्ति के साथ घुलिए मिलिए जिसकी वाइब्रेशन हाई हो। आपकी उसकी बातचीत से और उसके व्यवहार से पता लग सकता है कि उसकी वाइब्रेशन हाई है या लो है। अगर आप हाई वाइब्रेशन के लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगेगी और आप अपनी जिंदगी में हर चीज जल्दी अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो इस चीज के लिए अपने आसपास के लोगों पे ध्यान देना शुरू कीजिए कि वो किस तरह से रहते हैं। क्या वो बहुत दुखी रहते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे बात मत कीजिए। जब मैंने ऐसा किया था तो इसका मेरी जिंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ा था। उसके बाद मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो गई, मैं बहुत खुश रहने लगा। मैं ऐसे लोगों के बीच रहता था जो जो शिकायत नहीं करते थे। वो ऐसे लोग थे जो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते थे। तो मैं आपको भी सलाह देता हूं कि ऐसे लोगों के बीच रहिए, उनसे सीखिए और अपनी पूरी जिंदगी को बदल दीजिए। आप भी शिकायत करना बंद कर देंगे और आप भी नए नए काम करना शुरू